भाई आज घुमाने वाला हूँ मैं आपको करण प्रयाग में, जो ऋषिकेश से 168 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको 5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। और यहाँ की बात बताऊँगा, पूरी डिटेल दूँगा आपको। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आज मैं लेके आया हूँ करण प्रयाग में आपको, और पूरे करण प्रयाग के व्यू दिखाऊंगा, मार्केट दिखाऊंगा। और भाई मिलते हैं फिर आगे वीडियो में, आप हमारी वीडियो में जुड़े रहिए और पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको। आगे मिलते हैं फिर भाई, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। भाई जो बात करें यहाँ पे, करण प्रयाग एक पिंडारा नदी के पास पास बसा हुआ है ऊपर, और करण प्रयाग पंच केदार में से तीसरा प्रयाग है। और जो यहाँ की जनसंख्या की बात करें भाई, जनसंख्या यहाँ पे 39,232 है, जिसमें पुरुष की बात करें 18,278 है, और महिला की बात करें तो 20,945 है। और भाई करण प्रयाग ब्लॉक में 219 गांव हैं, और यहाँ की मार्केट ये देख सकते हो, व्यू कितने अच्छे हैं। बस स्टैंड यहाँ पे आसपास आपको सभी मिल जाएगा देखने को। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो भाई हमसे पूछ सकते हो। जो पांडव जाते थे पैदल यहाँ से, बद्रीनाथ का रास्ता आपका यहीं से पड़ेगा होके। और ये व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। ये करण प्रयाग की मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे बस स्टैंड था भाई, ये रास्ता भी है बद्रीनाथ की तरफ चल जाएगा, ये भी दिखाने वाला हूँ। पहले मैं मेन मार्केट के व्यू दिखाऊंगा। ये देख सकते हो सामने आपको होटल भी मिल जाएगा, रात यात्री विश्राम। और भाई आगे पूरी मार्केट है, जो आप खरीदना चाहो यहाँ पे सभी सामान मिल जाएगा। ये देखिए सामने के व्यू। और भाई जो आसपास का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप भी यहाँ से आना चाह रहे हो तो ऋषिकेश से आप आओगे सीधा श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से करण प्रयाग। तो भाई इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कुछ भी, आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपको ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी। और ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप, ये देख सकते हो आप। और ये रास्ता इधर सीधा टच करेगा हमारा रुद्रप्रयाग की तरफ। ये व्यू भाई यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये टैक्सी स्टैंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये देखिए, अगर आपको टैक्सी करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और भाई इसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको जो बद्रीनाथ वाला रास्ता है उधर। यहाँ पे बस स्टैंड एक और है, टैक्सी स्टैंड, ये देख सकते हो भाई करण प्रयाग के व्यू सामने के। ये यहाँ से जाता है रास्ता, ये रहे भाई। इधर आगे जाके हमें एक रास्ता ये नीचे का पड़ता है, उधर से दो रास्ते आते हैं हमारे। ये इधर भी मार्केट है भाई, इसको बोलते हैं जिस पुल से अभी हम होके गुजरे हैं पिंडारा, और इसकी दूसरी तरफ अलकनंदा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जो ऊपर रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है बद्रीनाथ, तो और इधर मंदिर भी है ऊपर यहाँ सामने। और इसके बाद मैं लेके चलता हूँ भाई आपको आगे की तरफ, मैं आपको वो संगम भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ से रास्ता सीधा जाएगा हमारा भाई ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ। और यहाँ इस साइड भी आपको होटल मिल जाएंगे देखने को, ये देख सकते हो गीता भवन है भाई, आपको उचित रेट पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, और ये देख सकते हो यहाँ के व्यू। आप होटल भी यहाँ पे काफ़ी है। जैसे आगे बढ़ोगे लेफ्ट की तरफ, ये रहा हमारा बस स्टैंड। तो भाई ये हमारी मार्केट है करण प्रयाग की, दिखाई दी मैंने आपको।
और जो आसपास को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, कमेंट करना, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ के व्यू, पूरा का पूरा ही टैक्सी स्टैंड है भाई ये एक साइड में। इसके बाद मैं अलकनंदा पिटारा का आपको मेल दिखाने वाला हूँ नदी। तो भाई ये आगे तक का तो मैंने आपको व्यू दिखाई दिए, आगे ये देख सकते हो यहाँ पे भाई राइट में पार्किंग भी है। ये यहाँ पे बनाई हुई है पर्सनल पार्किंग, ये देख सकते हो आप। और यहाँ सामने ये देखिए भाई, अलकनंदा और पिटारा नदी का संगम है ये। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मिलना, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए भाई धन्यवाद। ये है अलकनंदा पिटारी का मेल, मिलेंगे अगली वीडियो में।